जो हजरात इस आजिज से आज बैत होने की नीयत से आए हैं वो तो तौबा और बैत दोनों की नीयत कर लें। जो हजरात मौलाना अब्दुल मोमिन साहब से बैत थे और वो आज तजदीद बैत और तजदीद तौबा की नीयत से वो कलिमात पढ़ लें। जो सबक उनका चल रहा था वही सबक अभी जारी रखें। अलबत्ता अगर वो इस आजिज से आज बैत होते हैं तो इस आजिज से आप राबता कायम करें, और मौलाना अब्दुल मोहम्मिन हैं, मौलाना अब्दुल मलिक हैं, इनके ज़रिए आप मुझसे राबता कायम करते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं। घर की ख़ानदान की मस्तूरात भी मुझसे ये कहती हैं, ये बच्चे तो खैर बहुत ही कुछ कहते हैं कि भाई किसी तरह हर महीने आ जाया करूँ। अल्लाह के बंदो, आपको जो सिलसिला मिला इस मस्जिद में उसकी कदर करें आप। हमारे अज़ीज़ मौलाना अब्दुल मोमिन जब हज़रत जी के पास पहुँचे, और मैंने उनका पहले से तारुफ कराया था, जब पहुँचे उन्हें तारुफ कराया तो उसके बाद दो तीन चार दिन की सोहबत के बाद फरमाया, हज़रत ने मुझसे तनहाई में बड़ा कीमती तोहफ़ा लाया, बड़ा कीमती तोहफ़ा लाया। ये एक साहिब दिल साहिब नज़र की गवाही है। मसलहत अल्लाह की कि जाना मुझे पहले था, मैंने तो उनको वसीयत की थी बाकायदा मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के सामने बैठकर कि भैया किसी तरह भी कोशिश करना, तुम ही मुझे गुसल देना, तुम ही मुझे कफन नमाज पढ़ाना अगर ज़करिया भाई नमाज पढ़ाने के हाल में ना हो, और तुम ही कब्र में उतार देना। अल्लाह की मर्ज़ी कि वो पहले चले गए और मैं रह गया। इसलिए भाई इस सिलसिले की कदर कर लो, इस सिलसिले की कदर कर लो। जो असबाक वो दे गए उन असबाक को मामूलात की जारी रखो। अगला सबक आप जिससे जी चाहे अपना ताल्लुक जोड़ो और उनसे ये मेहनत जारी रखो। बहुत से हजरात ने मुझसे अभी भी ये कहा, मौलाना इनके कुछ हजरात आए हैं जो इस वक्त बैत करना चाहते हैं, जो लोग पहले बैत कर चुके हैं चाहे इस आजिज से या मौलाना अब्दुल मोमिन से, वो तजदीद बैत की नियत से वो भी कलिमात दोहरा सकते हैं। और तजदीद बैत का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत पुराना हूँ, तजदीद बैत का मतलब ये होता है, अल्लाह मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ, आज फिर से कलिमात पढ़ता हूँ तौबा का के और बैत की नियत से, अल्लाह अब तो मुझे आगे बढ़ा देना, अल्लाह अल्लाह कुछ करके मुझे आगे बढ़ा देना। वो तौबा और बैत दोनों की नियत से वो कलिमात वो लोग भी पढ़ लें जो आज बैत होने की नियत से आए हैं, वो लोग भी पढ़ लें जो पहले बैत हो चुके थे और वो आज बैत की तजदीद कर लें, वो लोग भी पढ़ लें जो किसी और से ताल्लुक़ रखते हैं या आइंदा रखने का इरादा है मगर वो बैत की नियत न करें, वो सिर्फ तौबा की नियत करें। बात समझ में आ गई। जो हजरात इस आजिज से आज बैत होने की नियत से आए हैं वो तो तौबा और बैत दोनों की नियत कर लें। जो हजरात मौलाना अब्दुल मोमिन साहब से बैत थे और वो आज तजदीद बैत और तजदीद तौबा की नियत से वो कलिमात पढ़ लें। जो सबक उनका चल रहा था वही सबक अभी जारी रखें। अलबत्ता अगर वो इस आजिज से आज बैत होते हैं तो इस आजिज से आप राबता कायम करें, और मौलाना अब्दुल मोहम्मिन हैं, मौलाना अब्दुल मलिक हैं, इनके ज़रिए आप मुझसे राबता कायम करते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं। घर की ख़ानदान की मस्तूरात भी मुझसे ये कहती हैं, ये बच्चे तो खैर बहुत ही कुछ कहते हैं कि भाई किसी तरह हर महीने आ जाया करूँ, मगर मैं क्या करूँ कि कुछ ऐसे सख्त मशगूलियत भी है, सेहत भी कमज़ोर है, दूर रहता हूँ। जी तो बहुत चाहता है, ख़ास तौर पर इस हादसे के बाद, ख़ास तौर पर इस हादसे के बाद जी तो बहुत चाहता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ आऊँ और आप हजरात के ये सफ़र आगे जारी रहे। पता नहीं कौन आप में से कौन मेरी मगफरत का ज़रिया बन जाए। तौबा की नियत कीजिए दिल से, एकदम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए, बिल्कुल मेरी तरफ मत देखिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए।
हाँ, ये याद दिला रहे हैं मौलाना बिलाल कि बहुत से लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं इसको, शायद लाइव जा रहा है, तो बहुत से हजरात अहबाब भाई और बहनें वो दूर बैठे भी सुन रहे हों और वो भी बैत होना चाहते हैं, वो भी नियत कर लें। तौबा की नियत कीजिए और बिल्कुल हर तरफ से हट कट कर अल्लाह से कहिए कि रूह ज़मीन पर मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं, बस आज मुझे माफ़ कर दीजिए, आज अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। अल्लाह से सच्चे दिल से जो कहेगा कामयाब हो जाए। दूसरी नियत कीजिए मैं से कि अल्लाह करोड़ों लोग हैं जो जिक्र का इस सिलसिले से तरीक़ा सीख कर विलायत के मुकाम तक पहुँच गए, कहाँ से कहाँ चले गए, कितनी ख्वातीन इतनी बुलंद मुकाम पर पहुँच गईं कि अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं बहुत मामूली सलाहियत का टूटा फूटा गंवार बंदा हूँ, मैं भी आज रस्सी पकड़ता हूँ, मैं भी आज इस सिलसिले में दाखिल होता हूँ। अल्लाह मुझे भी हिम्मत दीजिएगा, खूब ज़िक्र करूँ यहाँ तक कि मेरा दिल ज़ाकिर हो जाए, मेरा दिल आपकी याद से भर जाए, हर वक्त किसी वक्त में गफलत ना हो, किसी वक्त में गफलत ना हो। गफलत की घड़ी में अगर मौत आ गई तो अल्लाह की पनाह, याद की कैफियत में मौत आए। ये नियतें कर लीजिए, अल्लाह मुझे भी ये नियतें करने की तौफीक अता फरमा। अब आप सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर, जो हजरात माजूर नहीं हैं वो अगर दोजानू बैठ जाएं जैसे तहियात में बैठते हैं, तो और अल्लाह की तरफ सारी तवज्जो कर लें, जो रहीम है, जो करीम है, जो गफूर है, जो बहुत माफ़ करने वाला है, जो तवाब है, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तौबा और बैत की नियत से इन कलिमात को पढ़ें जो यह आजिज दोहरा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم। آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت। آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب। أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه। أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه।
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللہ تعالیٰ اس توبہ اور بیعت کو قبول فرما لے اور سلسلے کی تمام برکات ہمیں نصیب فرما اور ہمارے لیے ذکر اور معمولات کی پابندی آسان فرما دے. جو حضرات آج ہی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پر معمولات بتاتا ہوں. اس سلسلے کے کچھ سبق ہیں, کل ملا کر تو 35 سبق ہیں لیکن 21 سبق لازمی ہوتے ہیں. پہلا سبق جو ہے وہ لطیفہ قلب کے ذکر کی مشق ہے. اس کا آسان کر کے طریقہ سمجھاتا ہوں. آپ صبح اور شام دو وقت طے کر لیجئے اور انہی دونوں وقتوں کی پابندی کیجئے اور اللہ سے پہلے یہ دعا مانگیے کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. ایک منٹ, آدھا منٹ, دو منٹ یہ دعا آپ اللہ سے اپنی زبان میں مانگیے کہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے. اور ایک دو منٹ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ فوراً یہ تصور کریں کہ میرے دل پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل پر اللہ کی رحمت سما رہی ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں خوشی اور میری تمام دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں, نکل رہی ہیں, اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یاد رکھیے زبان سے کچھ نہیں کہنا, زبان بالکل چپ رہے, بس آپ کو تصور یہ کرنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. گردن کو جھکا لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, دماغ کی پوری توجہ دل کی جگہ پر لگائیے. ہر انسان کا دل اس کے بائیں سینے کے دو انگل نیچے تھوڑا سا اور بائیں طرف کو ہوتا ہے. لطیفہ قلب اس جگہ پر ہوتا ہے. جسمانی دل نہیں, جو روحانی دل ہے وہ. آپ جب مسلسل یہ عمل کریں گے دن میں دو بار تو آپ کو کسی کو پہلے ہی دن سے اور کسی کو کچھ دن کے بعد سے اپنے دل کے اندر سے ایک نئی آواز سنائی پڑے گی, جو یہ عام دل کی جو دھڑکن ہے اس کے علاوہ ہوگی, اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ بہت تیز رفتار ہوگی اور آپ کو آواز ہی آئے گی کہ آپ کا دل کہنے لگا اللہ 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 اللہ. میں کیسے سمجھاؤں, اللہ مجھے سمجھا دے کہ جب دل کے اندر سے اللہ کی آواز آتی ہے نا تب وہ خوشی اور اطمینان ملتا ہے, تبھی تو تطمئن القلوب کہا اللہ نے. دل کے اندر سے اللہ 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 اللہ, اوہ ہو, یہ عمل آپ کو کرنا ہے. جو پہلے سے کرنے والے لوگ ہیں وہ جس سبق تک پہنچ گئے ہوں اس سبق کو جاری رکھیں, اور وہ بھی ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جب وہ شروع کریں, وہ چاہے چوتھے سبق پر ہوں چاہے دسویں سبق پر ہوں, وہ شروع کریں لطیفہ قلب سے ہمیشہ. وہ دو منٹ کریں, تین منٹ کریں, چار منٹ کریں, پھر لطیفہ روح جو دائیں طرف ہوتا ہے, پھر لطیفہ سر جو سینے کے اوپر ہوتا ہے بائیں طرف, پھر لطیفہ خفی جو سینے کے اوپر ہوتا ہے دائیں طرف, پھر لطیفہ اقفا جو بالکل بیچ سینے میں ہوتا ہے, پھر لطیفہ نفس جو پیشانی سے لے کر ناف تک ہوتا ہے, اس کے بعد لطیفہ قالبیہ جو گویا اصل اس کا مرکز دماغ ہے لیکن وہ پورے بدن میں ہوتا ہے. یہ کم جو بالکل شروع کرنے والے لوگ ہیں جو پہلی بار کریں گے وہ شروع میں 15-20 منٹ کریں, شام کو بھی 15-20 منٹ کریں, لیکن یہ 15-20 منٹ صرف شروع میں عادت ڈالنے کے لیے. اس کے بعد اس کے بعد
वक्त बढ़ाते चले जाइए, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यकीन मानिए कि जिस इंसान को पाबंदी की तौफीक मिल जाती है और हिम्मत कर लेता है, वो धीरे धीरे चंद महीने के अंदर इस जगह पहुंच जाता है कि 6 घंटे लगातार मुराकबा करता है और उसको एहसास भी नहीं होता। वो बाद में जब घड़ी देखता है तो सोचता है मेरी घड़ी कुछ ख़राब हो गई, ये क्या हुआ, अब इससे पूछता है। 6 घंटे तक वो ऐसा मस्त हो जाता है, इतनी उसको खुशी मिलती है कि न थकता है न उबता न कुछ होता है। लेकिन ये पहले ही दिन नहीं होगा, धीरे 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 होगा। ये बहुत आला किस्म का जिक्र है, बहुत आला किस्म का। सृष्टि सिलसिला जो बहुत अजीम सिलसिला वो भी है, उसमें जिक्र कल्बी बाद में कराया जाता है, पहले ज़बानी जिक्र कराया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जिक्र करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र जहरी बोलते हैं इसको, जिक्र लिसानी भी कहते हैं। ये भी इस सिलसिले में आगे आएगा, लेकिन सिलसिले चिश्तिया में सबसे पहला सबक ये होता है, और सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में इसमें पहला सबक दिल का होता है। एक बात सुन लीजिए, बड़ी खुशखबरी, आपने पहला सबक अगर ठीक से कर लिया, इसमें आपने शैतान से शिकस्त न खाई और नागा नहीं होने दिया, और महीनों आप लगातार पहले सबक का जिक्र करते रहे, अगले सबक आसान होते चले जाए। हमारे हजरत ये फरमाते हैं कि देखें, ये मैंने पूछा सवाल कि हजरत ये तो बड़ा मुश्किल है एक शुरू करने वाले के लिए, तो ये सिलसिले नक्शबंदिया में पहले क्यों कराया गया। फरमाया, सिलसिले नक्शबंदिया मक्खन निकालना चाहता है तो इसको पहले कराकर जो इसमें जम गया वो आगे बढ़ता चला जाता है। और वाकई ये तजर्बा हुआ और बहुत से लोगों को तजर्बा हुआ कि ये अगर आपने जम के कर लिया चंद महीने, तो फिर अगले आपको जो सबक दिए जाएंगे वो आपको आसान होते चले जाएंगे। फिर एक मरहला आएगा जिसमें आपको वकूफ़ कल्बी की तरकीब बताई जाए, यानी इस सबक के ठीक से करने के नतीजे में ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आप बातें कर रहे हैं किसी से, आप काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, और आपने एकदम से इरादा किया कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कहने लगे, बस सिर्फ इरादा किया आपने, न सर झुकाना ना आँखें बंद करना, काम करते रहना, खाना खाते रहना, और उसमें एक इशारे पर जैसे रिमोट का बटन दबाया और एसी चल पड़ा, वैसे ही आपने बस इरादा किया और दिल अल्लाह 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 करने लगता है। वकूफ़ कल्बी इसी को कहते हैं, और ये दवामी जिक्र नसीब होता है, मुस्तकिल जिक्र। आपको ये बातें आपने सुनी होंगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से निकलते थे तो अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, गुफरानक 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 गुफरानक। अब ये बात बड़ी समझ में नहीं आती थी कि या अल्लाह, आप तो तहारत का अमल करके आए हैं, माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं। ये बात हम जैसे ज़ाहिरी मौलवी इसका जवाब नहीं दे पाए, वो जब जवाब हम लोगों को नहीं आता तो कहते हैं इसमें 3 कौल हैं, तो ऐसे कुछ कह देंगे बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन ये जो अहले दिल होते हैं वो इसका जवाब दे पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखें हुजूर, माफ़ी इसकी मांगते थे कि अल्लाह मेरा दिल ऐसा आदी हो गया है कि सोते जागते हर वक्त आपका नाम लेता है। बैतुल खला में मैंने बहुत कोशिश की कि वो जगह आपका नाम लेने की नहीं है, मगर अल्लाह मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है, वहाँ भी मेरा दिल आपको याद करता रहा, इस गलती को माफ़ कर दीजिए। यह है दिल की हालत कि इंसान चाहे भी तो उसका दिल रुकता नहीं है। क्या ज़िंदगी, ये वाकई मज़े की ज़िंदगी, लुत्फ़ की ज़िंदगी।
अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। मेरा इरादा था कि मैं इस वक्त मुराकबे की थोड़ी मश कराऊँगा, लेकिन देर हो गई, नमाज लेट हो जाएगी। मैं दुआ करता हूँ आप सब भी दुआ में बहुत दिल लगा कर आमीन कहें। है वक्त बहुत अच्छा। मुराकबे की नियत कीजिए, जिस तरह सुकून से आप बैठ सकते हैं वैसे ही बैठिए, दोजानू बैठना ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि माजूर लोग, बूढ़े और ज़ईफ़ लोग, वो कुर्सी पर बैठकर भी मुराकबा कर सकते हैं, ज़्यादा मजबूरी हो तो लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन नागा ना करें। बस पहले सब लोग अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझ गुनहगार के दिल को रहमत की नज़र से देख लीजिए, मुझ गुनहगार के दिल पर अपनी रहमत उतार दीजिए। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है। अल्लाह की रहमत आ रही है, अल्लाह की निगाह रहमत मेरे दिल की तरफ मुतवज्जे हो रही है, उसकी रहमत मेरे दिल में समा रही है, और उसकी बरकत से मेरे दिल की तमाम गंदगियाँ दूर हो रही हैं, और मेरा दिल खुशी और शुक्र के जज्बे से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। गर्दन झुका लीजिए, दिमाग की पूरी तवज्जो अपने दिल की तरफ लगा लीजिए, और इस तसव्वुर में डूब जाइए कि न हैवान न इंसान, अल्लाह अल्लाह और सिर्फ अल्लाह, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है।
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطيعا لك مطواعا إليك أواها منيبا إليك أواها منيبا अल्लाह अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह अब तक की ज़िंदगी तो ज़ाय हो गई गुनाह गुनाह और गुनाह ए रब करीम माफ़ फरमा दीजिए माफ़ फरमा दीजिए माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह ये ज़िक्र की मजलिस ये इस्लाह चाहने वालों की मजलिस अल्लाह ये प्यारों की मजलिस है ए अल्लाह ये किस लिए आए हैं आपके बंदे ए अल्लाह ना इलेक्शन के लिए ना वोट के लिए ना नोट के लिए ए अल्लाह ये अपनी इस्लाह के लिए आए हैं ए अल्लाह ये ज़माने गुरबत इस्लाम है ए अल्लाह इस ज़माने में आपके ये बंदे ए रब करीम इनको गोद में ले लीजिए अल्लाह इनको अपनी आगोश रहमत में ले लीजिए अल्लाह इनकी उंगली हम सब की पकड़ लीजिए अल्लाह हम उस बच्चे की तरह हैं जो दो कदम चलता है और गिर पड़ता है अल्लाह उसके गिरने पर न माँ डांटती है न बाप लपक के उसको उठा लेते हैं कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे लाल को उसको उसके आंसू पोंछते हैं उसको बहलाते हैं अल्लाह आपकी ज़ात आली की कसम हम हर दो कदम पर गिरते हैं अल्लाह बार बार तौबा करते हैं और बार बार गुनाह हो जाते हैं अल्लाह सुना है आप माओ से ज़्यादा मेहरबान हैं ए अल्लाह हमारे गुनाह कर लेने पर और अल्लाह दोहराने पर और गिर पड़ने पर नाराज़ ना होइए अल्लाह हमारी कमज़ोरी पर रहम करे।